नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। उत्तराखंड की तमाम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं। राहुल गांधी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर मृतकों के परिवार वालों से वो मुलाकात करने वाले थे और पीड़ितों को ढांढस बंधाएंगे, सांत्वना उन्हें देंगे। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए, अलीगढ़ पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसके बाद वो हाथरस भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल अलीगढ़ की ये तस्वीरें जहां पर राहुल गांधी मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे हुए हैं। रंजीत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रंजीत, हम देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंचे हैं, काफी भीड़ भी उनके आसपास नजर आ रही है, मृतकों के परिवार वालों से वो मुलाकात करेंगे, सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे इंतजाम है और क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए, मैं आपको देख सकते हैं राहुल गांधी परिवार जनों को ढांढस देने के लिए, समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है और यहाँ पर वह राहुल गांधी उनको देखे परिवार जनों को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यहाँ पर चार मृतकों की जो परिवार की अपने साल का मासूम बच्चा था और तीन महिलाएं, ये यहाँ पर देखिए राहुल गांधी बैठी और ये महिलाएं रो रही हैं, जो इन परिवार के लोग जो मृतक है ये उनसे प्रभावित हैं, जो यहाँ पर उनकी जांच कर रहे हैं और जो जांच जा रहे हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रखते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ये बहुत कंजेस्टेड जगह है, यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। राहुल गांधी जी अभी ऐसे बैठेंगे, खुशी के जरिए बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद यदि हो सकता है मीडिया से बात भी करेंगे और मीडिया को बताएंगे क्या कहेंगे। और जैसे आप हमें स्पीड और बताना चाहूंगा, अभी स्पीड पर देख सकते हैं आज की यहाँ के परिवार जन भी काफी लोग यहाँ पर अंदर पहुंचे, जिनको राहुल गांधी बैठकर बात कर रहे हैं। एक की बात की खबर दूसरी दिखाते हैं, देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जो इन्होंने मीडिया को जाने से मना कर दिया, इसलिए मैं आपसे कम कर रही हूँ इतना बना रहा हूँ यहाँ पर स्थिति में प्रशासन उनसे रात को भी नहीं है, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नहीं था। तो लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर राहुल गांधी मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं और हादसे का जो मंजर था वो भी दूसरी तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और जब इस सत्संग के दौरान हादसा हुआ वो तस्वीर भी आप देखिए। तो ये तीन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं पूरा घटनाक्रम। और अभी की अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं अलीगढ़ में, थोड़ी ही देर में हाथरस भी जाएंगे। और इससे पहले हम लगातार आपको जिस तरह से अपडेट दे रखे थे कि राहुल गांधी का काफिला यहां पर पहुंच रहा था, वैसे ही दूसरी जगह भी हाथरस जाने का कार्यक्रम है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो राजनेता हैं वो ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि इस मामले को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी पर भी आरोप लग रहे हैं, अखिलेश यादव पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी यहां पर पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए, मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इसके बाद हाथरस जाने का भी राहुल गांधी का कार्यक्रम है, लेकिन अभी फिलहाल अलीगढ़ में पहुंचे हुए हैं।